हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में। दोस्तों, ये तो बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि मेरा बच्चा सोता नहीं है और उसके लिए कोई उपाय बताएं, बहुत सारे वीडियोस भी बनते हैं, बट ये बहुत कम देखने को मिलता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ पेरेंट्स के मुंह से ये भी सुनने को मिलता है कि मेरा बेबी बहुत ज्यादा सोता है, बहुत ज्यादा नैप लेता है, तो क्या वो सही है, क्या कितने टाइम उसको सुलाना चाहिए, कब उसको उठाना चाहिए, या फिर अगर मेरा बच्चा बहुत ज्यादा सो रहा है, नैप बहुत लंबी ले रहा है और मुझे उसको फीड कराना है तो मैं कैसे उसे फीड करा सकती हूँ। तो दोस्तों, आज उसी बारे में बात करेंगे कि आप पहले मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि कितने टाइम तक की नैप ठीक है बच्चों में, दूसरा है कि अगर आपका बच्चा ज्यादा नैप ले रहा है कब आपको डॉक्टर के कंसल्ट करने की जरूरत है, तीसरा हम बात करेंगे कि अगर आपका बच्चा लंबी नैप ले रहा है तो आप उसे फीड कराने के लिए कैसे उठा सकती हैं, उसके कुछ टिप्स, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी चीज है अगर आपका बच्चा एक लंबी नैप ले रहा है, क्योंकि कह सकते हैं ये कुछ पेरेंट्स होते हैं ना जो ब्लेसिंग के साथ होते हैं कि वो उनके बेबीज जो है वो बहुत लंबी नैप ले रहे होते हैं, बहुत कम बेबीज होते हैं जो बहुत लंबी नैप लेते हैं। ये अलग अलग बेबीज के ऊपर कह सकते हैं डिफरेंट बेबीज के ऊपर ये चीज होती है, जितनी जिसको रिक्वायरमेंट होती है उतनी उतना बेबी नैप लेता है, ये सब बच्चों का अलग अलग पैटर्न होता है, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं कि कितनी नैप लेना बच्चों के लिए सही है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज है कि बच्चा लंबी नैप लेता है, उसे माँ को क्या होता है कि बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है बाकी काम करने के लिए, खुद रेस्ट करने के लिए, बच्चे के और दूसरे एसेंशियल काम करने के लिए, बट ये एक साथ में एक एंग्जाइटी भी लेके आता है हमारे दिल में कि मेरा बेबी इतनी देर तक सो रहा है, कहीं वो भूखा ना रह जाए, कहीं उसे फीड की जरूरत हो तो, कहीं उसका वेट गेन नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में होती है। सो दोस्तों, आज उसी चीजों को मैं डिस्कस करूंगी। पहले तो आपके बच्चे को नैप कितनी लेनी चाहिए। सो आपके बच्चे को करीब कह सकते हैं 16 से 18 घंटे तक की नैप लेना बहुत जरूरी है। इतनी नैप न्यूबॉर्न बेबी लेता ही लेता है, न्यूबॉर्न से लेके कह सकते हैं 6 मंथ का बेबी 16 से 18 घंटे 16-18 आवर्स की नैप लेता ही है, ठीक है। उतनी अगर आपका बच्चा नैप ले रहा है तो इट इज वेरी गुड। अगर और हाँ, आपके अब आपकी बात कर लेते हैं कि आपको कैसे डिटरमाइन करना है कि अगर आपका बेबी भूखा है या नहीं, तो उसको आप चेक कर सकते हैं उसके डायपर से। डायपर मीन्स अगर उसका जो यूरिन है, पेशाब जो सुसु कर रहा है, वो सुसु का कलर अगर बहुत ज्यादा डार्किश येल्लो है तो इसका ये साइन है कि आपका बेबी भूखा रहता है। अगर नहीं तो ये बहुत अच्छा है, कम से कम बेबी को दिन में 7 बार सुसु करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मिनिमम 7 टाइम्स। अगर इतना आपका बच्चा सुसु कर रहा है और तो ये बहुत अच्छा साइन है कि आपका बेबी भूखा नहीं है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कि बच्चों को फीड कब कराना चाहिए। तो डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि बच्चे को एवरी 3-4 आवर्स के बीच में उठा के फिर फीड करा लेना चाहिए, यही बेस्ट ऑप्शन होता है दिन में। अगर बच्चा रात में 5-6 घंटे सो रहा है तो इट इज ओके, बट इन द डे टाइम वो 3-4 घंटे अगर सोता है, उसके बाद आपको कम से कम 4 घंटे के बाद आपको उसको उठाना है और उसे फीड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चा दिन में भी 5-6 घंटे की नैप ले रहा है तो इट इज कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा भूखा रह जाए या फिर उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को 3-4 घंटे के अंदर उठा के और फीड करा लेना चाहिए। सो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो जाती है हमको कि अब हम अपने छोटे से बेबी को कैसे उठाएं, क्योंकि हमें भी पहले तो मन नहीं होता बच्चों को उठाने का, सोते देख के बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी नैप ले रहे होते हैं, तो हमें मन नहीं होता कि उसे उठाएं, और एकदम उठाते हैं तो एकदम से रोने लगता है, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। सो आज मैं बताने वाली हूँ कि आप अपने बच्चे को कैसे ग्रेजुअली उठा सकते हैं। बहुत सारे वेज हैं कि अपने बच्चे को कैसे उठाएं,
और उसे कैसे फीड करना है, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला तरीका है अनस्वाडल द बेबी, मतलब अगर आपने आपका बच्चा 2 मंथ से कम का है या फिर 2 मंथ तक का है, न्यूबॉर्न बेबी से 2 मंथ तक के बेबी को हम स्वाडलिंग कर सकते हैं। अगर आपने अपने बच्ची को स्वाडल करके सुलाया है तो उसको अनस्वाडल कर दें, मतलब उसका जो क्लोथ है वो धीरे से ग्रेजुअली एकदम आराम से उसे उतार दें। या तो फिर अगर उसने क्लोथ पहने, अगर वो 2 मंथ से बड़ा है, उसने क्लोथ पहन के रखें, कपड़े पहने, तो उसके कपड़े को उतारें, उससे बच्चा एकदम से धीरे से जाग जाएगा और आप उसे पिला सकते हैं अपना ब्रेस्ट फीड, ठीक है। दूसरा है चेंज द डायपर। अब दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चों को उठाना, क्योंकि वो एक लंबी नैप लेते हैं, तो उनको उठाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि वो अपना डायपर जो है गीला कर देते हैं। और ऐसा सजेस्टेड है कि कम से कम 2 से 3 घंटे में बच्चों का डायपर जो है वो चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर हाइजीन मेंटेन, ठीक है। सो आप अपने बच्चे का आफ्टर 3 to 4 आवर भी अगर आप कर रहे हैं चेंज, तो इट इज ओके, इट इज नॉट कह सकते दैट हार्मफुल, ठीक है। तो आप जब भी बच्चे को उठाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे का धीरे से उसका डायपर चेंज करें, उससे क्या होगा कि आपको अपने बच्चे को ज्यादा परेशान नहीं करना पड़ेगा उठाने के लिए, वो धीरे से वो जब खुद के बॉडी में कुछ हलन चलन पाएगा तो वो खुद उठ जाएगा, ठीक है। तीसरा है स्ट्रोक द बेबीज बैक, मतलब कि आपका जो बेबी है जैसे उठ चुका है और आपने उसे गोद में ले लिया, अब उसे आप फीड करा रहे हैं, तो क्या होता है बेबीज जो है ना वो दूध पीते पीते भी सो जाते हैं, ब्रेस्ट फीड करते करते भी सो जाते हैं। सो उसके लिए आपको अपने बेबी को जगा के रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना, उसका जो बैक है, कमर जो हिस्सा है उसका, उधर धीरे 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 हाथ फेरते रहना है। इससे क्या होता है, वो बहुत एक कॉन्शियस पार्ट होता है बेबी का, उससे क्या है बेबी जगा रहेगा और वो एकदम फुल फीड लेगा, उसका जो पेट है वो अच्छे से स्टमक भर के और वो आपका ब्रेस्ट मिल्क पी लेगा, जिससे वो आराम से अच्छी नैप और ले सकेगा, ठीक है। चौथा तरीका है प्लेस द बेबी ऑन अ फर्मर सरफेस, मतलब कि आपका बेबी अगर क्रिब में है सो रहा है या फिर झूले में सो रहा है, तो आप क्या करें उसे एक कह सकते हैं कि समतल एरिया, उधर फर्मर सरफेस पे, यानी कि प्ले मैट कह सकते हैं बच्चों के लिए जो यूज होते हैं, उस पे आप लिटा सकते हैं उसे, वो एकदम से दूसरे चीज पे जाके लेटेगा ना तो भी वो जाग जाएगा। दूसरा है पिकअप द बेबी, मतलब जब अपने बेबी को आप उठाते हैं उसके बाद में आपको क्या करना है, टिकल करना है उसे, उसके कान के पीछे, उसके कह सकते हैं यहाँ पे टोज में और उसके हाथ में, उस बहुत ज्यादा ये कह सकते इफेक्टिव होता है और बच्चों के यहाँ पे भी बहुत कॉन्शियस एरिया होता है, तो आप उसको यहाँ पे भी टिकल कर सकते हैं जिससे वो उठ जाएगा, वेकअप हो जाएगा, ठीक है। छठा आप कर सकते हैं, आप अपने बेबी को जैसे उठाते हैं उसके बाद में आप अपने बेबी के फेस पे ब्लो कर सकते हैं, मतलब ऐसे कर सकते हैं, उससे क्या होता है वो एयर जो आपके माउथ का होता है वो बच्चे के जब सरफेस पे जाता है, चेहरे पे जाता है, तो एकदम से उसको आप एक ये चीज करके आप थोड़ा रेडी रहना अपने बच्चे का एक वियर्ड सा फेशियल रिएक्शन देखने के लिए, बहुत ही क्यूट और फनी रिएक्शन होता है। सो आप ये एक चीज कर सकते हैं। सातवां आप कर सकते हैं कि गिव अ बेबी बाथ। बाथ में मेरा मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट जाके उसे पानी में बिठा दीजिए, नो, आप एक कपड़े को स्पॉन्ज बांध दीजिए बच्चे को, एक कपड़ा गीला करिए और उसको उसके शरीर पे ऐसे ऐसे फिरा दीजिए, स्पॉन्ज बांध दे दीजिए बच्चे को, उसके जब शरीर पे गीला वार्म वाटर ही लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा, एकदम से ठंडा पानी आप अपने बच्चे को लगाएंगे शरीर पे तो वो ज्यादा चौंक सकता है, तो आप धीरे से ऐसे ऐसे करके आप उसके शरीर पे स्पॉन्ज बांध दे दीजिए, उसे तुरंत वो उस चीज से भी जाग जाएगा फीडिंग के लिए, ठीक है। आठवां है कि टॉक टू योर बेबी, मतलब कि आप जैसे उसका बच्चा, आपका बच्चा सो रहा है, आप जाइए उसके पास ग्रेजुअली और धीरे धीरे उससे बात करना शुरू कीजिए, आराम से एकदम जो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज है ना उसमें धीरे धीरे क्यूट से बातें आप जैसे बात करना चाहे कर सकते हैं। बेबीज कैन अंडरस्टैंड आफ्टर 2 मंथ्स,
दे कैन अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज ऑल्सो, बट अगर 2 मंथ से छोटा तो भी आप धीरे धीरे बात करेंगे तो उसके कान में अगर आपका साउंड जाएगा ना उससे भी वो उठ जाएगा। 9th जो आप कर सकते हैं चीज वो है आप अपने बच्चे को सर्कुलर मोशन में उसके जो हाथ और पैर है ना उसे घुमा दीजिए, उसके पैर को उसके हाथों को सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे घुमा दीजिए, उससे भी बेबी बहुत जल्दी जाग जाएगा। ठीक है, तो यही कुछ ट्रिक्स और टिप्स थे मेरे बताने के लिए आपको कि आप अपने बेबी को अगर फीडिंग कराना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सो रहा है, लंबा सो रहा है, उसे फीडिंग कराना चाहते हैं तो आप कैसे करा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।